नमस्कार, इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज़ बलिया। एसडीएम के खिलाफ अभियंताओं का जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार धरना प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में कलेक्टर वार एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता संघ हाल में अधिवक्ताओं ने सरकार विरोधी नारों के साथ जमकर प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने कहा, उप जिलाधिकारी बांसडी अन्नपूर्णा के गर्भ स्थानांतरण की मांग की है। अधिवक्ताओं ने कहा कि अगर हमारी मांग को नहीं माना गया तो आंदोलन और वृद्ध होगा। मदन वर्मा एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष। क्या मामला आप जिलाधिकारी कार्यालय पर? ये एक उप जिलाधिकारी है बांसडी अन्नपूर्णा गर्ग जी, और उनकी रवैया अधिवक्ताओं के प्रति आक्रामक है। एकदम अधिवक्ताओं को देखना नहीं चाहती है। अधिवक्ता जाते हैं उनसे मिलने तो उनसे मिलती नहीं है, और अधिवक्ताओं को अपशब्द कहती है, मौखनों को भी भड़काती है कि तुम लोग अधिवक्ता क्यों रखते हो, और डायरेक्ट हम तुम्हारी बात सुनते हैं और निदान करते हैं। और इस बात की संज्ञान जिलाधिकारी महोदय को कई बार दिया जा चुका है, आज तक कोई इसका निदान नहीं हुआ है। अभी सुनने में आया है कि उन्होंने एक जांच कमेटी इस पर नियुक्त की है। अभी तो कह रहे थे नहीं है, लेकिन एकदम झूठ कह रहे थे। उनसे चार बार हम लोग व्यक्तिगत रूप से रिंग करके इस समस्या को रखे हैं उनके यहाँ। बाद में बार कौन सिंह उत्तर प्रदेश के चेयरमैन श्री हरशंकर सिंह का जब पत्र आया तो उन्होंने एक जांच कमेटी नियुक्त किया है। जांच कमेटी में एडीएम बलिया है, तेजरार सीडीओ बलिया है, तेजरी अफसर है। तो बात वही हुई कि कप्तान की जांच एक दरोगा को दे दिया जाए कि आप करके बता दीजिए। ये कतई स्वाभाविक नहीं है, कतई न्यायपूर्ण नहीं है। हम लोग जब तक उनका स्थानांतरण डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं हो जाता तब तक अपना धरना प्रदर्शन। मैं राजेंद्र प्रसाद वर्मा एडवोकेट, कलेक्ट्रेट वार्ड का अध्यक्ष हूँ जी। आज क्या मामला है जिलाधिकारी? जिला अधिकारी घेराव हम लोग कई दिनों से कर रहे हैं। हमारा मांग यही है कि जो बांसडी में एसडीएम जो है अन्नपूर्णा गर्ग जो है बहुत ही भ्रष्ट है, और शब्द बोलने का उसकी तरीका नहीं मालूम है। वो भ्रष्ट बताती है, चीटिंगबाज कहती है। अधिवक्ता की क्या जरूरत है, मैं स्वयं सुन लूँगा, जो कि एडवोकेट एक्ट में स्पष्ट है कि बिना अधिवक्ता के कोई कार्य नहीं की जाती है, जिसके लिए बार काउंसिल उत्तर प्रदेश द्वारा भी पत्र डीएम को दे दिया गया है, जो कि बार काउंसिल के चेयरमैन द्वारा ये कहा गया है कि यदि इसकी काम में यदि ट्रांसफर नहीं होते हैं तो हम उत्तर प्रदेश का पूरे अधिवक्ता हड़ताल पा जाएंगे। और वक्ताओं से मिलती नहीं है, बात नहीं करती है, बदतमीज टाइप की है। वो आईएएस प्रशिक्षित है, मतलब ट्रेनिंग आई है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बांसडी से उसको हटा दिया जाए, ताकि जिले के अधिकारी पूरे जिले के तहसील हड़ताल पर चल रहे हैं। यदि हट जाएगी तो पूरा जिले के कोर्ट चलने लगेगी, सभी तहसील बंद है। तो अभी तक आपने जिलाधिकारी के द्वारा क्या आश्वासन मिला है? जिलाधिकारी ने कहा कि एक कमेटी बना दिया हूँ, सीडीओ को बना दिया हूँ, और तेजी अफसर के बना दिया हूँ, और एडीएम को बना दिया हूँ, कमेटी रिपोर्ट दे दी। इसमें कमेटी से क्या मतलब है? कमेटी क्या रिपोर्ट देगी? बात एक आईएएस है, आईएएस के जांच जो है पीसीएस कैसे करेगा? कप्तान का जांच वो दरोगा थोड़ा करेगा। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो आप क्या करेंगे आगे? हम आंदोलन करेंगे, अनशन बैठेंगे, हड़ताल करेंगे, प्रवंचल बंद करवाएंगे। प्रवंचल में है तो मैं ईपी बंद करवाऊंगा, इसके लिए आंदोलन रोड पर आ जाएंगे इसके लिए।